नमस्कार दोस्तों, विकास ऑनलाइन टेक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खुशी की है और ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा खुशी की है जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक के एजेंट है, ठीक है, जिनके पास एयरटेल मित्रा में एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन करने की आईडी है, यानी CFP आईडी है। तो देखिए, ध्यान से सुनिए, हमारे सभी एजेंट्स के मोबाइल नंबर पर अभी एक मैसेज आया होगा लगभग 5:30 बजे के करीब कि डियर रिटेलर, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बिकमिंग प्राइम रिटेलर ऑफ द बैंक। यू आर एलिजिबल फॉर द मंथली इंसेंटिव ऑन कस्टमर बैलेंस एंड अदर रिवॉर्ड्स लाइक एक्स्ट्रा अर्निंग ऑन हाइजर वैल्यू अकाउंट्स, इंश्योरेंस, गिफ्ट हैम्पर्स एंड मच मोर। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है इस पर कुछ। चलिए मैं आपको हिंदी में दिखा देता हूँ इसे, ठीक है, इसी को आपको हिंदी में दिखा देता हूँ। प्री रिटेलर, बैंक का प्राइम रिटेलर बनने के लिए बधाई। आप कस्टमर बैलेंस पर प्राइम मंथली इंफेस्टिव और अन रिवॉर्ड्स जैसे हाई वैल्यू वाले खातों पर अतिरिक्त कमाई, बीमा, गिफ्ट हैम्पर्स और कुछ के लिए पात्र हैं। नियम व शर्तें लागू हैं। चलिए मैं आपको लोगों को बता देता हूँ, इस पर आपको लिंक पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, लिंक पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ ऑप्शन आ जाएगा जो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। देखिए, इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा, मंथली कमीशन ऑन कस्टमर बैलेंस, ठीक है, यानी कि जो कस्टमर, जिनके हमने कस्टमर के अकाउंट ओपन किए हैं, वो अगर एक महीने का जो एवरेज बैलेंस है, यानी कि कम नहीं होना चाहिए, 15,000 से 30,000 रुपये तक एवरेज बैलेंस रखते हैं, तो आपको 0.075% कमीशन दिया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही सुना आपने। और अगर वो 30,000 रखते हैं तो 0.10 यानी कि 0.10% कमीशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है कि या तो आपको मिनिमम नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन करने हैं 5, ठीक है, लेकिन आपको मैं सजेशन कर दूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ 3 भरोसा सेविंग अकाउंट ओपन करिए, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ 3 भरोसा सेविंग अकाउंट ओपन करिए, उसमें फायदा है आपका। और एक चीज होना चाहिए कि आपको ये काम करने के बाद में करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल में एक अपने मोबाइल नंबर पे एक SMS भेजना है 5169, ठीक है, यानी कि 51619 पर SMS भेजना है और नीचे टाइप करना है कैपिटल में प्रो प्राइम, ठीक है, आपको टाइप कर देना है और सेंड कर देना है। लेकिन इसके लिए एक चीज होना चाहिए कि जिसने आपकी जो एरिया का एयरटेल पेमेंट बैंक का जो FFE होगा, ठीक है, ठीक है, जो FFE होते हैं वो आपके यहाँ पे विजिट करके जाने चाहिए, ठीक है, यानी कि आपकी जो बैंकिंग पॉइंट है उस पर विजिट करने चाहिए, तभी ये कमीशन है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। अन्यथा आपने ऐसा किया हो कि ऐसे YouTube वगैरह पर देख के एयरटेल पेमेंट बैंक की आईडी लिए, तो ये कमीशन आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक। चलिए मैं आपको हिंदी में और दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, ये देखिए मैं हिंदी में और दिखा देता हूँ। इस पर सिर्फ यानी स्पष्ट लिखा हुआ है इस पर कि पूरा बैलेंस पर मंथली कमीशन, एवरेज कस्टमर बैलेंस, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि 15,000 से 30,000 के बीच में रखोगे तो इतना कमीशन, करेक्ट 30,000 रखोगे तो इतना है, ठीक है, यानी 0.10% है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जी, जो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है उसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम 5 सेविंग अकाउंट होने चाहिए, ठीक है, 5 सेविंग अकाउंट, वो भी यानी कि 100 रुपये से ओपन होने चाहिए, ठीक है। और या फिर आपको तीन भरोसा अकाउंट खोले, ठीक है, और इस पे लिखा हुआ है कि प्रो प्राइम टाइप करें और SMS करना है आपको ये 51619 पे, ठीक है। इसके अलावा प्रमोटर विजिट अनिवार्य है, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, जो आपको जिसने आईडी दी है, जो प्रमोटर है, उसका आपके बैंकिंग पॉइंट पे यानी कि विजिट करना, यानी कि आना, जैसे कि मीटिंग होती है बैंकिंग पॉइंट की, आप लोग जानते होंगे, तो वो करना अनिवार्य है। देखिए मैं बता रहा हूँ, आप ऐसे लोगों के अकाउंट ओपन करिए जो कि इसमें मिनिमम 50,000-60,000 रुपये रखते हैं, तो भैया 3 अकाउंट ओपन कर दोगे आप मिनिमम, ठीक है, 3 से ऊपर करोगे तो आपका उसमें बेनिफिट है। अगर वो 15,000 से 33,000 रुपये रखते हैं, आपकी कमीशन बनती रहेगी मंथली, उनके पैसे हैं, उनको भी उनका इंटरेस्ट उन्हें मिलेगा और आपको भी कमीशन मिलती रहेगी।
तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।